क्या आपको पता है कि एक ऐसा नंबर है जिससे लोगों को डर लगता है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा बीमारी है जो पैदल चलने वाले लोगों को डराता है? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा नंबर है जो कोड नंबर है, जब आप उसको गूगल पर टाइप करोगे तो कुछ अमेजिंग रिजल्ट आता है? इस वीडियो में ऐसे आप नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे कि आप ये कहोगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अमेरिका स्कूलों में हर साल 5,30,000 टन भोजन को बर्बाद किया जाता है, यानी 1 टन 2 टन 10 टन नहीं बल्कि 5,30,000 टन। और वहाँ की अगर गवर्नमेंट करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये करीबन 1.7 बिलियन होगा, और अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये करीबन 1,243,184,500 होगा। यानी इतना पैसा हर साल वहाँ बर्बाद किया जाता है, वो भी बस भोजन में, यानी खाने में। अद्भुत बात है यहाँ। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नोट कौन सा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा नोट अमेरिका के पास है, जो $10,000 का बनाया गया था, और यह 1861 में बनाया गया था और 1864 में इसकी ताबड़तोड़ यूज भी हुआ, और 1945 में इसे लास्ट बार छापा गया था, और 1969 में उपयोग में ना होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। यानी $10,000 का नोट, यानी अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये करीबन 7,31,285 रुपीज होगा। क्या आपको पता है कि ताश में, जो ताश होता है ना, उस ताश में एक ऐसा राजा है जिसके पास मूछे नहीं होती है, और वह राजा है द हर्ट ऑफ किंग, जिसे हम पान के राजा के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा राजा है जिसके पास मूछ नहीं है, और आप इस पर देखोगे कि एक खंजर लिए हुए अपने सर पे ही ये वार करते हुए नजर आता है। ये 16वीं शताब्दी से इसकी मूछें गायब हो गई थी। आप देख सकते हो कि कितने कितने सन में इसकी मूछें आई और कितने कितने सन में इसकी मूछें विलुप्त हो गई। कितनी अमेजिंग बात है ना कि मूछें थी और गायब हो गई। स्पाइरल ब्रिज, यह एक ऐसा ब्रिज है जो चाइना में बनाया गया है, और यह एक ऐसा ब्रिज है जो अपने ही आकार में खुद गोल गोल घुमा हुआ है। आप इसको देख सकते हो, और यह एक माले दो माले का नहीं बल्कि 3-4 माले का है। और कितना अच्छा जगह कवरेज किया गया है, मतलब बहुत ही अद्भुत बात है ना ये कि इतना अच्छा ब्रिज। मेरे ख्याल से इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, और हमारे जो साइंटिस्ट हैं ऐसा प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए। क्या आपको पता है कि एक ट्रेट्रोफोबिया नाम का एक डर होता है जो ईस्ट एशियन कंट्रीज में होता है, और यहाँ कुछ इस प्रकार का होता है कि जब वहाँ के जो मरीज होते हैं ना, जब उनको 4 नंबर बोलोगे तो उनको डर लगने लगता है। यानी वहाँ के हर एक इंसान के अंदर एक 4 नंबर का डर फैला हुआ है, इसलिए वहाँ की जो सरकार है, जो ईस्ट एशियन की सरकार है, वह 4 नंबर को भी गवर्नमेंट के किसी भी कामों में यूज नहीं करती है। यानी 4 नंबर वहाँ का सबसे बड़ा डर है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार भी है 4 नंबर को यूज नहीं करती है। एग्रोफोबिया नाम का एक ऐसा बीमारी होता है जो इस मरीज को पैदल चलने में डर लगता है, यानी यह ऐसा मरीज होता है जो पैदल अगर चलता है तो उसको डर लगने लगता है। मतलब बहुत अजीब प्रकार की बीमारी है ये। पर्सावेदिक्त्रिया फोबियो नाम का एक ऐसा बीमारी होता है जो जर्मनी में 13 नंबर को अपशगुन माना जाता है। यानी जर्मनी में जो 13 नंबर होता है ना, वह बहुत ही वहाँ के लोग अपशगुन मानते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों मानते हैं, मतलब उनको 13 नंबर से बहुत डर लगता है। इंडिया में होता है ना कि ये काम मत करो ये अपशगुन है, वैसा जर्मनी में होता है। मतलब वहाँ 13 नंबर को अपशगुन मानते हैं, मतलब श्रापित मान सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। 1 दिसंबर 1948 को दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्र के किनारे एक इंसान को मरा हुआ पाया गया, समुद्र के किनारे। और जब पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा तो उस आदमी के पास से एक कागज का टुकड़ा मिला, और जब उस कागज के टुकड़े को जांच करवाया गया तो ये पाया गया कि उस कागज के टुकड़े में कुछ फारसी शब्द लिखे गए थे। और जब इसे पढ़ने के लिए बहुत सारे आदमी को बुलाया गया तो ये कोई नहीं पढ़ पाया। यानी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस ट्रीज को सॉल्व नहीं कर पाए, मतलब उसमें क्या लिखा गया था ये आज तक कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सका। क्या आपको पता है कि जब आप गूगल पर 56*36 को सर्च करोगे तो कैलकुलेटर बना हुआ था। जी हाँ, कैलकुलेटर जो होता है ना इस प्रकार का, आप अभी सर्च मार के देख लेना क्या होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।